वंडरफुल, टू मच वंडरफुल, बिल्कुल कि उनकी यार प्लानिंग क्या है, बिल्कुल प्लानिंग क्या है। कितनी आपने पावर बताई? 30 गीगावाट, मतलब 18 मिलियन जो है वो घर को, टू मच, बिल्कुल टू मच, इट्स वंडरफुल। वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया लगाने जा रहा है। पहले वो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कर रहा था, अब यूएई सऊदीया को भी वो बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा। इंडिया का मुकाबला ही नहीं कर सकते आप, इंडिया का नाम ना पाकिस्तान के साथ लिया करें, प्लीज़ किसी अफ्रीका की कंट्री का लिया करें। इंडिया जो है वो फार बेटर, फार एजुकेटेड देन अस। राजस्थान में उन्होंने स्कूल बनाए, वो सोलर पैनल पे चल रहे हैं। बिजली बिजली राजस्थान में तो नहीं होगी, लेकिन आप उनकी बिल्डिंग देखेंगे, वो धूप से रोशनी दे रहे हैं क्लासरूम पे। अब जो मर्सिडीज ECQ उन्होंने बनाई, वो 800 किलोमीटर करेगी फ्रॉम वन चार्ज। और हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं खटारा सुजुकी की गाड़ी 30 लाख में, वो दे रहे हैं 3 लाख रुपए में। इसकी क्या रीज़न है? वो अपने जो किसान है उसको पर यूनिट बिजली जो है 3-4 रुपए दे रहे हैं। रीज़न ये है कि जिनका उनका बॉलीवुड का जितना उनका जो एक अखराज आते हैं ना, जो उनका बजट है, सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, उतना पाकिस्तान का बजट है, उतना पाकिस्तान पूरे का बजट है जितना उनका बॉलीवुड का बजट है। देखिए उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने हर चीज़ में बड़ी तरक्की की। हमारे से तकरीबन कितने साल आगे निकल चुका है? हजार साल इंडिया आके निकल चुका है, निकल चुका है यार वो, हमें नो डाउट, सीरियसली 1000 साल निकल गया है वो, तो हम तो फिर मेरे हाल में हमारे जीते जीते ये मुकाबला नहीं हो सकता कभी भी, नाम कर सकते हैं वो स्पेशल इंडिया से बिजली ले रहा है। तो आप देखेंगे इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अगर इंडिया काम कर रहा है, तो इंडिया अपनी माशी लिहाज से अपने आप को इकोनॉमिकली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो उनको सुधारता। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP News 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर बॉर्डर पर 30 गीगा बाइट का मतलब जो है सोलर प्लांट लगने जा रहा है। यानी कि अब तक जो है भारत बांग्लादेश को तो बिजली देता ही था, लेकिन अब UAE यानी कि सऊदी अरब को भी भारत के थ्रू बिजली जाएगी, यानी कि दुबई को भी बिजली अब भारत के थ्रू जाएगी। कहने का मतलब ये है, आपको पता ही है कि यहाँ पर 3-4 रुपये यूनिट है बिजली, और आपका पाकिस्तान के अंदर 25-30 रुपए पर यूनिट बिजली है। अब इसका मतलब यह है, आपने क्लिप्स में भी देखा होगा वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भारत उनसे कई सौ साल आगे है, 50 साल 100 साल, एक बंदा तो सिर्फ सीधे सीधे 1000 साल आगे बोल रहा है। यानी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ के जो मौलाना मौलवी हैं, वो इन जो आम आवाम है पाकिस्तान की, उसके दिमाग में सिर्फ फतूर भरते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने मदरसे छाप पढ़ाई की है, और मदरसे छाप पढ़ाई में उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रति नफरत और आतंकवाद फैलाना ही सिखाया है। अब जो ये सोलर बिगेस्ट सोलर प्लांट जो लगने जा रहा है, अब इसकी क्या किस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहुंच जाते हैं बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो हमारे हमसाया मुल्क की बात करें, वो देखे जी दूसरे ममालिक को बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर इतना बड़ा सोलर पैनल पे वो काम कर रहा है। उसे पता है कि सबसे सस्ती तरीन बिजली बनाने का जरिया ये है कि जिसपे आप सोलर पैनल लगाए दुनिया में और दूसरी दुनिया को बिजली एक्सपोर्ट करे। आप देखे क्या UAE नहीं लगा सकता, क्या दुबई नहीं लगा सकता, या सऊदीया नहीं लगा सकता? देखे वहां तो गर्म इलाके हैं, वहां गर्मी ज्यादा है, इसके बावजूद देखे UAE और जो है सऊदीया वो स्पेशल इंडिया से बिजली ले रहा है। तो आप देखेंगे इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट पे अगर इंडिया काम कर रहा है, तो इंडिया अपनी माशी लिहाज से अपने आप को इकोनॉमिकली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो उनको सुधारता जा रहा है। हमारी गरीब आवाम देखेंगे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखा जाए तो रोजगार नहीं है, लोगों के पास इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। हम अपने हमसाय मतलब इंडिया की बात करें, वहाँ देखे आए दिन नई से नई इंडस्ट्री लगती नजर आ रही है। टेस्ला वहाँ पे देख ले, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख ले, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी, इस तरह के बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे देखे जा रहे हैं, जो वहाँ लोकल मैन्युफैक्चर करके उन्हें बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे अभी देखे G20 मीटिंग, जिनमें 20 बड़े अमीर तरीन ममालिक वहाँ पे आते हैं, और बाकायदा वहाँ मीटिंग की जाती है, वहाँ इन सरमायाकारी होती है, इन्वेस्टर आता है, पैसा आता है, ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है वो लोगों को एक रोजगार मिलता है। और हमारे यहाँ क्या देखा जाता है, आपको पता है ना, यहाँ इन्वेस्टर है ना यहाँ कोई रोजगार है, और ना यहाँ कोई इन्वेस्ट करने को तैयार है। हमारी बिजली 70 रुपए एक यूनिट, बिल्कुल जी 70 रुपए, और यहाँ 6 रुपए, और हमारे यहाँ आप बिल्कुल जी 70 रुपए यहाँ पे है, और आप इंडिया की बात करें 6 रुपए। और हमारी आवाम को क्या है, उनको एजुकेट नहीं किया जाता, वो सिर्फ हंस सकती है। आपके सामने जितने लोग हैं इनसे अगर बात करें ना कि यार हमारे मुल्क के क्राइसिस है, इन पे अगर आप बात करना चाहें तो इनके पास जवाब देने के लिए आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको एजुकेट नहीं किया जाता, उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको एजुकेट किया
जाए तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया में फ्री एजुकेशन दी जा रही है, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अगर बात किया जाए तो फ्री उनको जो है वो वहाँ पे जो है दवाइयाँ वगैरह दी जा रही है, और हमारे अगर देख लें तो यही जो है गवर्नमेंट कितने दिन पैसे ले रहे हैं। अब भाई यही तो मसले हैं ना, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, क्यों? हमारी तालीम इतनी महंगी हो चुकी है, उनको उन्हें एजुकेशन आप पढ़ा जाता है कि आप देखें सरकारी जितने स्कूल्स हैं सुनने में ये आ रहा है कि उन्हें भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो एक छोटा तबका के लोग थोड़े बहुत इलम हासिल करते थे उनके लिए तो तकलीफ हो जाएगी ना, वो कैसे तालीम हासिल करेंगे? प्राइवेट में तो ऑलरेडी जो बड़े बड़े प्राइवेट अदारे हैं वहाँ पे तो सिर्फ बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब के बच्चे तो वो एक मिडिल क्लास स्कूल में जाया करते थे, हाँ आखिरी आसरा था, वो भी अनगरीब जो है वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यार हमारे यहाँ बहुत सारे क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं, हमारा मुल्क कैसे क्यों आगे जाता जा रहा है, रीजन क्या है यार? मोदी साहब जो है वो अपने मुल्क के लिए ज्यादा मुहिब्बे वतन है। सर देखें, वहाँ पे कोई भी एक बंदा आता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, वहाँ पे 5 साल के लिए आता है। अब हमारे यहाँ देख ले 1947 से लेकर आज तक कोई एक ऐसा बंदा बता दे जिसने 5 साल का इकतदार पूरा किया हो, कभी किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ कोई बंदा आता है तो सिर्फ अपनी जेब भरता है और यहाँ से पैसा लूटता है निकल जाता है। मोदी साहब को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, उसको 10 साल हो गया तीसरे टेन्योर की, वो अभी सुनने में आ रहा है कि 3 रियासतों में वो कामयाब हो चुका है, और बाकी अभी रियासतों के जो है वो इलेक्शंस बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरी बार भी इंडिया में नरेंद्र मोदी ही आ रहा है, तो यही उनकी एक मेन स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो लोग आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बेशक वो अपने मुल्क के लिए इंसानियत के लिए काम कर रहा है, हमारे यहाँ कोई इंसानियत के लिए कुछ जाग जाए, कोई अपनी अक्ल से काम ले लो भाई। यहाँ पे हम हमेशा से नवाज शरीफ को वोट देते आए हैं या जरदारी को वोट देते आए हैं, कोई उसको चोर कहता है, कभी वो कहता है हम सड़कों पे घसीटेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई नारा नहीं रहा। और जो एक बंदा आया था उसको उठा के आपने वैसे जेलों में बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ बहुत ही जो है वो इस तरह के जो मसाइल हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। सर अगर हम बात करें इसके ऊपर कॉस्ट की तो $2.26 बिलियन लगेगा, और अगर हम पाकिस्तान की GDP की बात करें तो $3.48 बिलियन है। आप उस हिसाब से एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा लगा रहे हैं, हमारी उतनी GDP है भाई। यही तो बातें सोचने वाली है कि वो लोग अगर जिसने भी काम, बेशक वो मुल्क बड़ा है लेकिन उसने तरक्की के लिए बहुत सारी मेहनत की है, एजुकेट की है, IT सेक्टर को देख लो, एजुकेशन को सेक्टर को देख लो, लोगों को गरूम किया, लोगों को अब बाहर जाए ना तो बाहर सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है इंडियंस की। दूसरे ममालिक में बात की जाती है कि यार अभी बाज का हमारे यहाँ तो कुछ लोग चले जाए ना बाहर तो वहाँ भी जाके कोई ना कोई ऐसा फ्रॉडलेंट यानी कोई एक्टिविटी ऐसी कर लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर क्या मसला आता है कि जनाब बायकॉट पाकिस्तानी के एक ट्रेंड चलाया जाता है कि यार इनको किसी तरीके से पाकिस्तानियों का जो है वो बायकॉट किया जाए। कि पाकिस्तानी बुरे हैं, इंडिया आवाम ज्यादा अच्छी, क्या आपकी आपकी क्या राय है कि इंडिया की आवाम जो है वो ज्यादा समझदार है? नहीं, इसमें इश्यू ये है कि हमारे चंद लोग ऐसे हैं जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, जब शॉर्टकट ढूंढते हैं तो उसकी वजह से इस तरह के मसाइल होते हैं। आप देखें जब मुल्क में बेरोजगारी होगी, लोगों के पास अच्छे रोजगार नहीं होंगे, लोग बाहर जाने के लिए इलीगल रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क में एक एक बैड इमेज जाएगा ना। जब बाहर दूसरे ममालिक में जाएंगे वो कहेंगे जी पकड़ा जाएगा कि कहां से जी पाकिस्तान से, जब हमारे पास अथेंटिक रिसोर्स ही मौजूद नहीं होंगे, जब हमारे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको यही नहीं पता कि यार हमने काम करना अपनी आवाम के लिए, वो आते हैं सिर्फ अपने लिए, वक्ती तौर पे आते हैं, वो उन्हें पता है हमने 5 साल तो इक्तदार में रहना नहीं है, 3 साल के लिए आए या 2 साल के लिए 4 साल के लिए आए, वो अपनी जेबें भरते हैं और निकल जाते हैं बाद में। हमें ये बताते हैं इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन इंडिया हमें मैं भी दुश्मन नहीं समझे, लेकिन वो अपनी जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना काम कर रही है, अपने मुल्क के ऊपर इतना काम कर रही है कि वो हमारे से तकरीबन कितने साल, आप बताएं कितने साल वो आगे निकल चुके हैं। भाई जान है उसके साथ आपका मुकाबला बनता नहीं है। IT सेक्टर में वो इतना मूव कर चुका हुआ है कि बाहर के जितनी बड़ी कंट्रीज हैं वो बकायदा इंडिया से ही लोगों को प्रेफर करते हैं कि यार इंडिया से लोग आए, और आप कह रहे हैं कि कितने साल, ये बात करें कि हम उनसे कितने साल पीछे रह गए हैं, कितने साल पीछे हम तो 100 साल पीछे रह गए वो हमसे, अगर हम वहां तक जाएंगे वो हमसे कितने आगे निकल जाएंगे। बात यह है वहां पे आए दिन नई इनोवेशन हो रही है हमारे यहाँ, कहां टैलेंट को प्रमोट किया जाता है, आप देखेंगे हमारे यहाँ सिर्फ एक छोटी सी बाइक की एग्जाम्पल ले लें कि ये जो 90 मॉडल है यही इसी की सिर्फ स्टिकर चेंज करते हैं और वही चलाते जा रहे हैं। और इंडियंस में देखें वहां बजाज है, TVS अपाची है, वो इस तरह के बड़े मॉडल्स हैं, बड़े मॉडल्स हैं और हैवी बाइक की शेप में वो बाइक निकाल रहे हैं और सस्ते तरीन उन लोगों को दी जा रही है। हमारे यहाँ तो अभी तक जो हुंडा का एक इंजन है ना वो भी हम खुद नहीं बनाते, वो भी हम बाइक से इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया जो है वो टेस्ला वहां पे आ गई है, देख दुनिया का अमीर। मैं अभी रिसेंटली आपको नाम ले चुका हूँ, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी है, और फिर अपनी है ना, लेकिन टेस्ला जो है देखें
अभी रिसेंटली एक हमारे यहाँ हमने न्यूज पढ़ी थी, मर्सिडीज उन्होंने इलेक्ट्रिक बनाई है, फिर उसके अलावा उन्होंने टेस्ला जैसे अभी आपने नाम लिया, रिक्शे बनाए हमने, हमने रिक्शे बनाए हैं, वो भी अनगरीब बंदू कर नजर आ रहे हैं। तो हम लोग ना असल में तरक्की की राह में नजर नहीं आ रहे, उसकी वजह लगता है कि हम तरक्की की तरफ कितने साल तक आके क्यों निकल जाएंगे, अभी तरक्की हम कर रहे हैं यहाँ के, हम सिले एक यार, हैं। यार हमारे मुल्क के हालात ना बेहतर नहीं होते नजर आ रहे, आप अगले 20 साल भी इसी तरह की हम वो कहते हैं ना लड़ाई झगड़ों में रहेंगे, जब तक चौकीदार का काम है, जब तक चौकीदार अपनी चौकीदारी नहीं करेगा ना, वो अगर चौकीदार की बजाय घर के अंदर इंटरफेयर करेगा ना, तो कभी भी हमारा मुल्क नहीं चल सकता। क्या कहना चाहेंगे यार, जो अपने मुल्क के लोगों के लिए इतना जो है वो कर रहा है, वो कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, और देखिए चाय वाले से उठ के एक प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत बड़ी स्ट्रगल है, अब वो अपना एक्सपीरियंस सारा यूज कर रहे हैं अपने मुल्क के अवाम के लिए। मैं कहता हूं कि उसके लिए तो हमारी तरफ से ये है कि जिस तरह इंसानियत, सबसे पहले हम कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे वो हिंदू है या फलां है फलां है, अगर वो इंसानियत के तौर पे वहां पे मुसलमान हमसे ज्यादा रहते हैं, अगर वहां 35 करोड़ मुसलमान हमसे ज्यादा सुखी तौर तरीके से या अच्छे तरीके से रह रहे हैं, वहां का रहन सहन खाना पीना लोगों को एक अच्छा मैसर किया जा रहा है, बिजली मैसर की जा रही है, लोगों को आम रहने की जिंदगी में हर तरह की आसाइश मौजूद है, तो फिर मोदी की तारीफ करना हमारे लिए काबिल है और बेहतरीन है, क्योंकि हम ये कहेंगे कि मोदी जैसा बंदा हमारे लिए हमारे इंसानियत सबसे ज्यादा इंसानियत पहले मैटर करती है। देखिए मुस्लिम भी हम हैं, मुस्लिम होने के नाते हम ये भी कहेंगे वहाँ 35 करोड़ है और हमारे यहाँ 25 करोड़ लोग हैं, तो देखा जाए तो वहाँ हमसे ज्यादा लोग हैं, अगर वो सुखी है तो फिर हमें भी किसी तरीके पर जो है वो अपना फोकस करना चाहिए, हमारे हमें अपनी जो है ना अलाइनमेंट सीधी कर सकते। देखिए सोलर जो है, देखिए वो धूप से अल्लाह ताला की तरफ से चीज चल रही है, एक गैर नॉन मुस्लिम होके लोग अल्लाह की कुदरती चीजों से फायदा उठा रहे हैं, हम तो है ही मुसलमान और हम कलमे पे यकीन रखने वाले, कुरान हमारी किताब है, लोग जो गैर मुस्लिम है वो हमारी किताबों से पढ़ के फायदा ले रहे हैं, और हम गोरे को पढ़ने के पीछे भागे हुए, यार बल्ब किसने बनाया, यार एनर्जी सेवर किसने बनाया।